आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ये जो चार मैं आपको आइडिया बताने वाला हूँ बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप इसमें से कोई एक बिजनेस कर लेते हैं तो आप इजीली इनकम करना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर होता है क्या, जब भी स्टूडेंट पढ़ के निकल जाते हैं उन्हें जॉब मिलता नहीं, बहुत सारे जॉब की तैयारी करते हैं बट उसे जॉब मिलता नहीं, तो उसके बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में उसे पता नहीं चलता कि हम कौन सा बिजनेस करें। तो मैं आज आपके लिए चार ऐसे बिजनेस लाया हूँ, स्मॉल बिजनेस समझ सकते हैं, जिसे करने के बाद आप इजीली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वो क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू। पहला बिजनेस है वो है फूड इंडस्ट्री। देखिए फूड इंडस्ट्री जो होता है वो बहुत अभी के डेट में चलने वाला बिजनेस है। आप देखे होंगे अगर आप कहीं पे भी शहर जाते हैं या कहीं मार्केट जाते हैं तो हर जगह आपको ये जो बिजनेस है मिल जाएंगे। आजकल तो अगर आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी आप देखेंगे कि एक जो है कि रेस्टोरेंट लगा हुआ रहता है या फिर एक ठेला लगा हुआ रहता है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर लें, नहीं, आप शुरुआत में एक छोटे मोटे दुकान से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे आप बढ़ा बढ़ा के ग्रो कर करके आप एक बड़ा बिजनेस भी इसको बना सकते हैं। अभी के डेट में जब भी लोग टूरिंग पे घूमने के लिए निकलते हैं तो ऐसे केसेस में भूख तो सभी को लगते हैं तो खाना तो सभी को पड़ता है, बट ऐसे केसेस में आप ऐसे जगह पे लगाते हैं जहाँ पे कि थोड़ा घूमने वाला जगह हो, मतलब ऐसा जगह होना चाहिए कि जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाएं और वहाँ पे वो चीज़ ना मिले उनको। तो अगर ऐसे जगह पे आप फूड इंडस्ट्री खोल देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपका बिजनेस अच्छे खासे चलना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर दो पे जो है वो है आपका एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। अभी के डेट में जब से 2020 में कोरोना वायरस ने दाखिल दिया है दुनिया पे तो लोगों ने ऑनलाइन चीज़ों को अच्छे से समझा है। आज लोग कहीं बाहर जाके पढ़ना पसंद नहीं करते, वो घर बैठे पढ़ना पसंद करते हैं। तो घर बैठे पढ़ना पसंद करते हैं तो उसके लिए उन्हें ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। तो जब उन्हें ऑनलाइन पढ़ना होगा तो उन्हें किसी न किसी टीचर का जरूरत होगा। तो ऐसे केसेस में अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं या ऑनलाइन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो ये भी आपके लिए बेस्ट बिजनेस बन सकता है। ये बिजनेस ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आप एक रूम लेना होगा और वहाँ पे स्टूडेंट को बैठा के पढ़ाना होगा, ये ऑनलाइन सिस्टम है। यहाँ पे एक एक बार में आप हजारों स्टूडेंट को इजिली पढ़ा सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा काम का है। तो अगर आप ये भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपका एक बिजनेस के तौर पे वर्क कर सकता है और ये भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो अगर आप भी करना चाहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहते हैं, तो स्टूडेंट को इजीली दे सकते हैं। बस इसके लिए करना कुछ नहीं है, चाहे तो आप शुरुआत में फ्री में यूट्यूब पे दे सकते हैं या फिर आप अपना ऐप बनवा सकते हैं जिसके माध्यम से आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो इन सभी ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। फ्री पे है वो आपका मेडिकल सेक्टर। आपको पता होगा कि अभी के डेट में हर दिन लोग कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं, ऐसे केसेस में मेडिकल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो अगर आप अपने एरिया में, अपने गांव में या फिर मार्केट में अगर आप मेडिकल ओपन करके धर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये बिजनेस भी आप करके देख सकते हैं, अभी के डेट में बहुत ज़्यादा ये बिजनेस चल रहा है। नंबर चार पे जो है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता होगा कि अभी के डेट में बहुत सारे सामान हैं जो कि यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस करते हैं तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ का मायने रखता है। आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, बहुत सारे कंपनी से मिल सकते हैं। आजकल देखते होंगे अमेजन फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस करते हैं तो वो भी बहुत काम का है, धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा और एक अच्छा लेवल आप पार कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस करके देख सकते हैं। ये जितने भी बिजनेस है मैंने आपको बताया, देखिए ये सभी बिजनेस जरूरी नहीं कि एक ही बार में चल जाता, इनमें आपको समय देना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये बिजनेस कहीं ना कहीं चल पाता है। और ये भी रखिए कि आपका इंटरेस्ट भी इस फील्ड में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पास इंटरेस्ट है नहीं और चल दिए इस फील्ड में काम करने के लिए, तो वैसा नहीं होता। जो भी फील्ड आप चुने उसमें जरूर आप अपना इंटरेस्ट दें,
तभी आप सही मायने में बिजनेस कर पाएंगे और अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्मॉल बिजनेस फाइनेंस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।